जम्मू कश्मीर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बीते 6 महीनों से कठुआ और डोडा में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का एक नया दस्ता तैयार किया जा रहा है। क्या है पाकिस्तान के इस नए दस्ते की कहानी, आपको इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। बेहद खूंखार हैं, उनके पास हाईटेक वेपन है, वो भारत के खिलाफ नापाक इरादे रखते हैं, उन्हें पाकिस्तान से सीधे आदेश आता है और निकल पड़ता है आतंकियों का पठानी दस्ता। जम्मू कश्मीर से आई ये खबर किसी को भी सन कर देने के लिए काफी है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जम्मू संभाग में दहशत फैलाने के मकसद से पाकिस्तान ने एक नई टेरर ब्रिगेड तैयार की है और इस टेरर ब्रिगेड का नाम है आतंक का पठानी दस्ता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले 40 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ के जरिए कठुआ और ढोडा तक पहुंचे थे। ये सभी आतंकी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पठान हैं। यानी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मोर्चे पर पठानों को खड़ा कर दिया है। ये आतंकी बकायदा बॉडी कैम काम इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए ये हर आतंकी हमले का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान के इस पठानी दस्ते के पास नाइट विजन कैमरे भी मौजूद हैं। आतंकियों का ये पठानी दस्ता स्नाइपर्स अटैक में माहिर है। इन आतंकियों के पास तालिबानी आतंकियों से लड़ने का भी अनुभव है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि खान सूट पहनकर आम इंसानों की तरह कई बार आम मस्जिदों में नमाज भी अदा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दहशतगर्दी की ये नई ब्रिगेड PAFM और कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का हिस्सा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन पठान आतंकियों को पहाड़, जंगल और नदियों तक में लंबे समय तक रहने का अनुभव है। ये आतंकी सैन्य प्रशिक्षण, टोही क्षमता, गुरिल्ला युद्ध रणनीति में भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा, रियासी 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं। ये आतंकी 10 से 12 के ग्रुप में बटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों की ये नई ब्रिगेड हमलों के वीडियो बनाती है और उन वीडियो को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पोस्ट करती है। ये आतंकी कभी कभी रॉबर्ट क्राफ्ट जैसे मशहूर लेखकों और कवियों को भी कोट करते हैं। खास बात ये भी है कि पाकिस्तान के पठान आतंकी सुरक्षा बल की नजरों से बचने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर इन्हें कहीं कोई संदेश भेजना होता है तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ये आतंकी ना तो गांव जाते हैं और न ही स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं, ये जंगलों और गुफाओं में रहते हैं, जबकि अपने खाने पीने का सामान बकरवालों से खरीदते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी अपने मददगारों से जंगल में ही खाना रख जाने के लिए भी कहते हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि आम बातचीत में सिर्फ पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी पठानी आतंकियों की नई ब्रिगेड दहशतगर्दी फैलाने के लिए एक सदे हुए सिस्टम की तरह काम करती है। एक ऐसा सिस्टम जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन कहां तो ये भी जा रहा है कि गुनाह और गुनहगार ज्यादा दिन तक छिपे नहीं रह सकते। और फिर इनका मुकाबला तो उन भारतीय जियाबाजों से है जो पल पल सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी और मानो अचानक से रुक गई दुनिया। रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई। सर्वर ठप होने से भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया और कई देशों में न्यूज चैनल भी ऑफ एयर हो गए। हवाई सेवा ठप, बैंक ठप, अस्पताल ठप, रुक गए न्यूज चैनल, शेयर मार्केट ठप और सुपरमार्केट भी ठप। मानो जैसे रुक गई पूरी दुनिया। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आने से दुनिया भर में अफरातफरी मच गई। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज की वजह से एयरलाइन समेत कई उद्योगों का कामकाज रुक गया और कई तकनीक सेवाएं ठप पड़ गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है
कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आई खराबी की वजह से कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन अचानक नीली हो रही और कंप्यूटर बंद होकर खुद रीस्टार्ट हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की इस गड़बड़ी के चलते दुनिया भर में पेमेंट गेटवे सिस्टम भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खामियों की वजह से सिर्फ भारत नहीं विश्व में इस मामले पर काफी हंगामा मच गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के वजह से जिस तरह से उसके सर्वर में तकनीकी खामियां आई, जिसके चलते चाहे बात करें एयरपोर्ट सेक्टर की बात करें, एटीएम सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, ऑयल सेक्टर की बात करें या हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें, वहां पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। और जिसके चलते इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 3 है, यहां पर काफी लोगों की जो लाइनें हैं वो देखी जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज का असर बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट, न्यूज चैनल, शेयर मार्केट और सुपरमार्केट समेत लगभग सभी जरूरी सेवाओं पर हुआ है। दोपहर से शुरू हुई ये गड़बड़ी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी हड़कंप मचा गए। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर मुंबई एयरपोर्ट और गोवा एयरपोर्ट पर सर्वर ठप होने की तस्वीरें सामने आई। मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम ठप होने के चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का अस्थायी रूप से असर हुआ है। इसके साथ ही देश के कई और एयरपोर्ट पर ये समस्या देखी गई। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज के चलते दुनिया भर में कई सारी सर्विसेज प्रभावित हुए हैं। एयरलाइन सर्विसेज से लेकर टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकास्टिंग सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और यहां तक कि कई सारी बैंक की सर्विसेज भी प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में इशू बताया जा रहा है, जिसके चलते जो फ्लाइट्स हैं उनके संचालन में असर पड़ा है। कई सारी जो भारत में मेन चार एयरलाइंस हैं उनकी बात करें तो स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा, इन सभी की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई है पैसेंजर्स को कि वो जो अपनी एयरलाइंस हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। कई सारी जगह पर जो चेक है वो मैनुअल किया जा रहा है, बोर्डिंग पासेस मैनुअल किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए कि किसी भी यात्री को कोई भी समस्या ना हो। खबर है कि ये दिक्कत हाल ही में हुए क्राउड स्ट्राइक नाम के एंटीवायरस कंपनी के अपडेट की वजह से हुई। ये समस्या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी दफ्तरों को भी प्रभावित कर चुकी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की फोटो भी पोस्ट की है। bbc.com की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्काई न्यूज चैनल ऑफ एयर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं रुक चुकी हैं, अमेरिका की यूनाइटेड डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस ने दुनिया भर में अपनी उड़ानों को रोक दिया है। साइबर एक्सपर्ट भी इस समस्या से हैरान है। कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं, उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं, क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है, लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरी तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे, कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों की समस्या के कारण सेवाओं में हो रही देरी को लेकर एडवाइजरी तक जारी की है। जैसा कि ज्यादातर कंपनियां क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल कर रही हैं और इस समय क्लाउड सर्विस देने वाली तीनों कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट जारी है। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है और इन सभी बीच देश के कई हिस्सों से बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया है। देखिए रिपोर्ट।
सैलाब के कहर की सनसनीखेज तस्वीरें, मूसलाधार बारिश की चुनौती भरी तस्वीरें, देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट। कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस वक्त कमोबेश देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये द्वारका का हरिपर पानीली मार्ग है। बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। एक कार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। यह वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजिर धोध नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए। डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपर इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सरस्वती नदी में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ का पानी अपनी सीमा से कई मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, जिस वजह से यहां लोग डरे सहमे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ही दिन में हुई 6 इंच बारिश ने सब कुछ डुबो कर रख दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं सड़क पर उमड़े इस सैलाब के साथ बह गई हैं। अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। पाथला गांव से आई तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की टक्कर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है और अब अमरेली के तितानिया गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां का खोड़ियार मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। सैलाब की लहरें यहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। राजकोट में भी 5 से 7 इंच हुई बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है, जिस वजह से गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहां टिकटौली दूमदार झरने पर 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से तीनों तेज धारा के बीच फंस गए। आनंद फानन में स्थानीय प्रशासन तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, जैन मंदिर पड़ता हुआ टिकटौली झरना है, कि यहाँ पे 3 लोग झरने में फंस गए हैं। पानी तेज बारिश हुई तो एकदम पानी आ गया, तो मैंने तत्काल अपने बल को इकट्ठा करके
रस्सी डलवा के करीब करीब आधा घंटा रेस्क्यू की, आधा पौन घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको तीनों को सुरक्षित निकाला। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा हो, क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नई मुसीबत का सामना हो जाए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ और आगे देखिए 20 मिनट 20 खबर। नमस्कार।